हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर रेडमी एम आई के फ़ोन में ब्लूटूथ हेडफोन कनेक्ट नहीं हो रहा है तो कैसे कनेक्ट करें। तो गाइस, काफ़ी आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं कनेक्ट करने का। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, मोबाइल के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आना है आपको नीचे, और एक सेटिंग मिलेगी ऐप मैनेजमेंट, ऐप मैनेजर या एप्लीकेशन नाम की, जहां पर सभी ऐप रहती हैं। आपको उस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। फिर आपको ऐप लिस्ट पे जाना है, जहां पर सभी ऐप्स रहते हैं यहां पर आप आ जाएंगे। अब आपको ऊपर की साइड दो डॉट का एक ऑप्शन है, दो डॉट पर क्लिक करना है, फिर शो सिस्टम पर क्लिक कर देना है। अब गाइस, ब्लूटूथ देखिए आपको नहीं यहाँ पर मिलेगा, काफ़ी सारे ऐप्स हैं। आपको सर्च बार में क्लिक करना है ऊपर, और यहाँ पर लिखना है ब्लूटूथ। जैसे ही ब्लूटूथ लिखेंगे, ब्लूटूथ आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। फिर स्टोरेज यूजेस पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लियर डेटा और ओके कर देना है। फिर आपको आना है होम स्क्रीन पर। अब गाइस, यहाँ पर आपको ब्लूटूथ देखिए मिल जाएगा ऊपर नोटिफिकेशन बार में। इस पर अगर आप टैप करेंगे तो एक बार टैप करेंगे चालू होगा। आपको इस पर दबा के रखना है तो आप इसके सेटिंग में आ जाएंगे। या फिर गाइस, आपको सेटिंग में जाना है, फिर ब्लूटूथ मिल जाएगा यहाँ पर सेटिंग में आपके, और ब्लूटूथ पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से ब्लूटूथ को चालू कर देना है। अब ब्लूटूथ को चालू करने के बाद यहाँ पर स्कैन होगा और ब्लूटूथ हेडफोन का नाम आ जाएगा। आपको ऑल डिवाइस पर क्लिक करना है, फिर आपको ब्लूटूथ हेडफोन पे क्लिक कर देना है उसके नेम पर। फिर आपको यहाँ पेयर का एक ऑप्शन आएगा, पेयर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पेयर पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है और कितना चार्ज है, बैटरी लेवल भी दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।